हेलो यो, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चा, हम कर रहे हैं आपका चैप्टर वन या अध्याय एक, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यानी रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। तो इसमें बच्चों, पिछली जो हमने क्लास ली थी उसमें हमने क्या देखा था बच्चों, उसमें हमने आपकी संयोजन और वियोजन अभिक्रियाओं के बारे में देखा था, या आपका जो एडिशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसके बारे में पढ़ा था। तो चलिए बच्चों, आज हम एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो आपके इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। तो बच्चों, इसमें सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर वन, प्रश्न संख्या एक, सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग, कि किसी पदार्थ एक्स के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है बच्चों। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फॉर्मूला, यानी पदार्थ एक्स का नाम तथा उसका सूत्र हमें लिखना है। तो बच्चों, पदार्थ एक्स क्या है बच्चों, अगर आपने को याद हो, हमने सबसे पहले जो क्रियाकलाप पढ़ा था, क्रियाकलाप 1.4 जो हमने एडिशन रिएक्शन में पढ़ा था, उसमें हमने क्या पढ़ा था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं जिसे हम, उसमें हमने देखा था कि कैल्शियम ऑक्साइड में जब हमने पानी मिलाया तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में बदल गया, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हमने दीवारों पर लगाया वो क्या हुआ, CaCO3 में बदल गया। ठीक है बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये उसी के बारे में बोल रहा है, यानी कि हमारा आंसर क्या हो गया बच्चों, द सब्सटेंस एक्स इज कैल्शियम ऑक्साइड और उसका फॉर्मूला क्या है, CaO। एक नाम इसका बिना बुझा हुआ चूना भी है जिसे हम कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं बच्चों। ठीक है, फिर है बच्चों क्वेश्चन नंबर दो इसका भाग, राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन वन अबव विद वाटर, यानी ऊपर दिए गए पदार्थ एक्स को जल के साथ अभिक्रिया लिखनी है हमें। तो जल के साथ अभिक्रिया क्या करता है, ये जल के साथ बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करता है बच्चों, और जल के साथ अभिक्रिया कैसे करता है, CaO, और जल के साथ अभिक्रिया करके ये क्या बना देता है बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देता है बच्चों, जिसे हम स्लेक्ट लाइम भी कहते हैं, यानी आपका कौन सा, बुझा हुआ चूना जिसे बोलते हैं बच्चों। ठीक है, और पहले वाले को क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को हम बिना बुझा हुआ चूना बच्चों। अब प्रश्न संख्या दो देखते हैं बच्चों, प्रश्न संख्या दो क्या है बच्चों, प्रश्न संख्या दो कहता है, वाई इज़ द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन द वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन टेक्स्ट बुक एक्टिविटी 1.7, डेट इज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर डबल ऑफ द अमाउंट ऑफ कलेक्टेड इन द अदर, नेम दिस गैसेस, यानी जल के विद्युत अपघटन में एक परख नली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरे से दोगुनी है, उस गैस का नाम बताइए। तो बच्चों, जब हमने विद्युत अपघटन पढ़ा था तो आपने क्या पढ़ा था बच्चों, कि हमने विद्युत के द्वारा यानी इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा H2O को अपघटित किया था, यानी कि हमने क्या किया था, इन दोनों को अलग अलग किया था। तो इसमें हमने क्या मिला, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला बच्चों। हाइड्रोजन की मात्रा क्या है, दोगुनी है बच्चों यहाँ पे, यानी दो गुना है। ठीक है बच्चों, तो जब हम इस एक्टिविटी में देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं वाटर का, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, मॉलिक्यूल जो है हाइड्रोजन के दो हैं, ऑक्सीजन का एक है, तो जो दोगुनी अमाउंट मिलेगी वो मिलेगी बच्चों हमें हाइड्रोजन गैस की। ठीक है बच्चों, ऑक्सीजन की हमें सिंगल अमाउंट मिलेगी। तो वी कैन से दैट इन एक्टिविटी 1.7 वाटर इज इलेक्ट्रोलाइसिस टू गिव H2 गैस, यानी हाइड्रोजन गैस एट वन इलेक्ट्रोड एंड O2 गैस एट दी अदर इलेक्ट्रोड, ये इसका आपको केमिकल रिएक्शन देखने को मिलेगा बच्चों। फिर क्या कहता है, दस टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इन इलेक्ट्रोलाइसिस गिव टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस, और इन अदर वर्ड्स द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड वुड बी डबल देन दैट ऑफ ऑक्सीजन गैस, यानी जल में दो बार हाइड्रोजन, दो भाग हाइड्रोजन और एक भाग ऑक्सीजन का है, इसलिए जल के विद्युत अपघटन के दौरान एक परखनली में अतिरिक्त गैस की मात्रा दूसरी से दुगनी होती है, और ये हाइड्रोजन गैस है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये हो गया आपके दोनों के दोनों प्रश्न कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।